morning. Welcome to the another online video of RCI Education Hub Bansur. Let's start chapter number 15. Before that, we finished chapter 9. Okay, this is also a biology chapter. So in this, we discuss about the general topics, ecosystem, types of ecosystem, and components of ecosystem. So what is ecosystem? Interaction between the living and non-living component of the environment is known as ecosystem. Understand or not? Yani jitne bhi living component hai, how they can interact with each other. Hame pata hai, humare environment mein bahut sare plants hain, animals hain, insects hain. Okay, so how they can interact with each other as well as how they can interact with the non-living components. Ab non-living components mein kya kya hai? For example, soil hai, rocks hai, sunlight hai, temperature hai, humidity hai. Understand? Bahut sare. To ye jitne bhi non-living components hain, how they can interact with living components and how the living component interact with each other, that is known as ecosystem. Is that clear? So aap isko kaise define kar sakte hain ki jitne bhi living components hain? Understand? Interaction between the living and non-living components of the environment can form an ecosystem. Is that clear? यानी जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं. तो आपको पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की जरूरत तो पड़ेगी. बिकॉज फॉर एग्जांपल सोइल है, ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है. अगर ये नहीं है तो हाउ कैन यू लिव? प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं कर सकते सोइल के बिना. ऊपर से वाटर है, टेम्परेचर है, ओके, ह्यूमिडिटी है, ये हर तरह के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, या आप कहें कि टोपोग्राफिकल फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे इनमें जरूरत है कि किसी भी एरिया में एक लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए इन सारे कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो दिस इज द इकोसिस्टम, कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम. ओके, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. आप देखिए इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं टू. ओके, इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स. पहली टाइप्स आप जिसमें क्या बता सकते हैं, पहली टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम. तो देखिए नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, द इकोसिस्टम विच आर एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द नेचर. ओके, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ओके, दोज आर नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें आप बता सकते हैं फॉरेस्ट, क्लियर है, ग्रासलैंड. Understand? Lake, sea. Yes or no? ये सब क्या है? These are the natural ecosystem. भाई ecosystem क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे living और non-living components एक दूसरे के साथ interact करते हैं. Okay? एक दूसरे के साथ survive करते हैं. तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? Ecosystem. अब natural ecosystem क्या होते हैं? Which are already exist in nature. जो पहले से ही nature में है, जो एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं. ओके, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपको सबको पता है ऑलरेडी प्रेजेंट है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, लेक इकोसिस्टम हो गया, सी इकोसिस्टम हो गया, या और भी फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर इकोसिस्टम भी आप कह सकते हैं. दूसरा जो टाइप का इकोसिस्टम होता है वो होता है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ऐसे कौन से इकोसिस्टम होते हैं? दीज आर दोज इकोसिस्टम विच आर सेटअप बाय द ह्यूमन बींग्स. इज इट क्लियर? दोज इकोसिस्टम विच आर सेटअप बाय द ह्यूमन बींग्स, सेटअप बाय द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम जिनको ह्यूमन बींग ने सेटअप किया है, ह्यूमन बींग ने एक तरह से उसको अरेंज किया है, ऐसे इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं. तो ऐसे इकोसिस्टम में आपका कौन सा आ गया? एक तो एक्वेरियम आ गया, क्लियर है? एक्वेरियम आपने
आपने देखा होगा एक इस तरह का जो है ग्लास का कवर होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें पानी फिल होता है, उसमें एरेटर लगा होता है। एक इस तरह से आप उसमें एनवायरनमेंट बना देते हैं, लाइक सी कुछ प्लांट्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उसमें उसमें आर्टिफिशियल फिशेज होती हैं, क्लियर है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से वाटर फिल्ड होता है, इसको मैंने कॉलेज में, स्कूल्स में और इवन हाउसेस में भी रखा जाता है। तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्यों हमने बनाया इसको, आपने देखा होगा इसमें जो फिशेज होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इज इट क्लियर। तो उसमें कुछ जेनेटिकली हम ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे कि उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। दूसरा आप कह सकते हैं फील्ड, खेत, ओके, जिसमें आपने देखा है फार्मर्स अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे भी आपने देखा है क्रॉप्स होते हैं, रैट्स होते हैं, कुछ अदर इंसेक्ट्स होते हैं, साथ में सोइल है, टेम्परेचर है, वो नॉन मैटिक कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा पार्क भी कह सकते हैं, पार्क में भी आपने देखा है बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्लियर। तो ये कुछ आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, अंडरस्टैंड, यानी टू टाइप के इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, व्हेन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर दे आर फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम, क्लियर है। तो नेचुरल इकोसिस्टम समझ में आ गया कि जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और जो मैन बनाता है, सेटअप करता है, दोज आर नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाते हैं। तो उसके बाद देखिए हमें डिस्कस करना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्लियर है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आपको डेफिनेशन से क्लियर होना होगा, डेफिनेशन से पता लग रहा है कि भाई जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, पता लग रहा है ना यहाँ पे, व्हेन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो यानी दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अंडरस्टैंड। एंड विच आर दीज टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, इट मींस दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स, दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और लिविंग कंपोनेंट्स में कौन आते हैं, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर है। सो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट व्हिच आर नोन एज लिविंग कंपोनेंट्स एंड दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड अनदर वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर नोन एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, क्लियर है। और इसमें कौन आते हैं, एग्जाम्पल वही सारे जितने भी रॉक्स है, सोइल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर है, वाटर है, ऑल दीज आर नोन एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, क्लियर है। तो इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हो गए, टू कंपोनेंट्स हो गए, ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब देखिए अब हमें डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड या द मेथड बाय विच दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने अगेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने फिर से टू पार्ट्स में, सॉरी थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन कंज्यूमर्स, एंड थर्ड वन डीकंपोजर्स, क्लियर है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स, अंडरस्टैंड, दीज आर द ग्रीन प्लांट्स एंड यू कैन से दैट सम ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो। These are known as the producers. Producers क्या होते हैं, which produce their own food, which prepare their own food. तो green plants आपको पता है एक process होता है photosynthesis. Photosynthesis. We already discuss about the topic in chapter number 6, life processes. जिसमें हमने nutrition discuss किया था that nutrition is a main life process of the organisms. और उसमें हमने पढ़ा था photosynthesis is a process
बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ओके, तो इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बिकॉज इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो बिकॉज ये प्राइमरी सोर्स है, यानी अर्थ पे जितना भी फूड का प्रोडक्शन है वो उसका प्राइमरी सोर्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। ओके, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स, यानी एनर्जी का जो एक अल्टीमेट सोर्स है सन, उसकी एनर्जी को डायरेक्टली यूज करते हैं, सो दीज आर नोन एज द बिगेस्ट, और आप कह सकते हो प्रोड्यूसर्स विच प्रोवाइड फूड टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स, विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स। Is that clear, beta? Okay, bye.